हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम आपको बताए थे संधि, और संधि का डेफिनेशन बताए थे, और संधि के कितने भागों में बांटा गया है ये भी हम बताए थे, और उसके अंदर कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको बता दिए थे। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। आज हमको पढ़ना है व्यंजन संधि। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। तो आइए आज हम देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। क्या आज हमको पढ़ना है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? लिखे हैं, यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकारी उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकारी उत्पन्न हो तो वह व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे मैं लिखे हैं यहाँ पे सद प्लस गति, तो ये क्या बनेगा? सदगति। लेकिन जब सदगति लिखे हैं तो इसमें व्यंजन कौन सा है? इसमें लिखे है सत प्लस गति, तो ये क्या बना? सदगति। तो इसमें व्यंजन आपका है तो, क्या है तो, सत में आपका क्या होगा? तो क्या होगा? ये व्यंजन वर्ण हो गया। अब आते हैं उसके आगे लिखे हैं गति। तो गति में क्या, इसमें कौन सा वर्ण है? तो इसमें जो आपका ग है, तो ये भी क्या है? आपका व्यंजन वर्ण है। उसके आगे लिखे हैं वाक प्लस इस, क्या लिखे हैं? वाक प्लस इस, तो क्या बना है? वागिस। वागिस में पहले लिखे हैं वाक, तो वाक में कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो क है। उसके बाद लिखे हैं इस, तो इसमें कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो ई है। तो क्या बना है? वागिस। आइए हम एक नंबर पे लिखे हैं, यदि क च ट त और प व्यंजन के बाद यहाँ पे जो 5 हम लिखे हैं शब्द लिखे हैं या वर्ण लिखे हैं, उस व्यंजन के बाद स्वर हो या किसी वर्ण का तीसरा ग ज ड द और ब, या चौथा वर्ण घ हो झ हो या ढ हो ध और भ हो, अथवा य र ल व वर्णों में कोई एक हो तो क का, जो यहाँ पे क है तो इसका तीसरा यहाँ पे लिखे हैं, तो क के बाद 3 नंबर पे कौन सा आएगा? ग आएगा। उसके बाद लिखे हैं च, च के बाद कौन सा आएगा? जो है क के जो तीसरे बाद है या च के जो 3 नंबर बाद आते हैं, जो शब्द आता है वो, तो यहाँ पे लिखे हैं क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। च का आपका क्या हो जाएगा? ज। ट का हो जाएगा आपका ड। तो का क्या होगा? द। एवं जो प का है तो उसका क्या होगा? ब। ब हो जाता है, अर्थात ये तीसरे वर्ण में आते हैं। जो इसमें तीसरे वर्ण पहले वर्ण के बाद जो वर्ण आता है तो उसको क्या बोलते हैं? तीसरा वर्ण। जैसे मैं लिखे हैं दिक प्लस अंबर, तो यहाँ पे जो आपका क लिखे है तो ये किस में बदलेगा? जो यहाँ पे हम दिक लिखे हैं तो ये आपका किस में बदल जाएगा? ग में। यहाँ पे लिखे हैं दिग प्लस अंबर, तो क्या बना है? दिगंबर। तो यहाँ के क का जो ग बना है तो किस में बना है? तीसरे वर्ण में बना है। उसके नीचे लिखे हैं अच प्लस अंत, क्या होगा? तो अजंत। तो यहाँ पे च का क्या बन गया है? च में आपका हो गया है ज। ये सब आपका 3 लिखे हैं, तो तीनों में यहाँ पे तो है तो क्या होगा? द होगा। अगर प रहेगा तो क्या होगा? ब होगा। उसके बाद है आपका यदि क च ट त और प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का 5वां अक्षर य हो जाएगा। क्या होगा? य अड़ हो जाएगा, य हो जाएगा। न और म ये शुद्ध रूप है। किनके शुद्ध रूप है? तो जैसे क ख ग अंग पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या आता है? आपका अंग आता है। च छ जब पढ़ेंगे तो क्या आएगा? य आएगा। ट ठ पढ़ेंगे तो अड़ आएगा, ठीक है। तो ये इसका शुद्ध रूप है।
यदि को च ट त और प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा अक्षर शुद्ध रूप आता है। क ख ग पढ़कर हम अण बोलेंगे तो इसका शुद्ध रूप अण नहीं है। कौन सा है? अंग ही है, इसका शुद्ध रूप है। जैसे में लिखे हैं वाक प्लस मैं, तो यहां पे क के स्थान पर क्या आएगा? अंग आएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे? क्या हो जाएगा? वाक प्लस मैं, तो क्या हो जाएगा? वर्णमय। यहां पे क के स्थान पर क्या हो गया? अंग हो गया। यहां पे लिखे षट प्लस मस, तो क्या हो जाएगा? षट मस। यहां पे अड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ट के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम बताते हैं आपको, इसके तीन नंबर पे कौन सा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए उसके तीन नंबर में देखते हैं हम कौन सा हमको पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है अब यदि तो या दो, तीन नंबर पे आपका है, यदि तो या दो, क्या है? तो या दो, दो के बाद कोई व्यंजन, दो के बाद कोई व्यंजन वर्ण, क्या है? कोई व्यंजन वर्ण भी, यदि तो या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर, व्यंजन अक्षर, अब कौन कौन से अक्षर है? तो घ है, च के बाद क्या आएगा? च, तीन नंबर पे लिखते हैं ज, यहां पे लिखे है ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ड, यहां पे लिखे है तो तीन नंबर पे क्या होगा आपका? द। उसके बाद है आपका प, प के बाद तीन नंबर पे क्या होगा? ब। ये जो आपके वर्ड है कितने अक्षर के बाद, तो या द के बाद कोई व्यंजन अक्षर, इस अक्षर के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो, आए तो, आए तो उसे आने वाले, उसे आने वाले, आने वाले व्यंजन के पास, आने वाले व्यंजन के, आने वाले व्यंजन के साथ, आने वाली व्यंजन के साथ वही व्यंजन, वही व्यंजन, वही व्यंजन उससे, वही व्यंजन उससे हाथ, क्या है? हाल, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन के रूप में, शुद्ध व्यंजन के रूप में, शुद्ध व्यंजन के रूप में एक और जुट जाता है, एक और जुट जाता है, एक और जुट जाता है तथा,
तथा एक और जुट जाता है तथा तो या दो तो या दो तो या दो लुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं। जैसे में क्या होगा आपका? जैसे में उत प्लस चरण, उत प्लस चरण, तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप? क्या होगा? उच्चारण। तो इसमें आपका क्या हुआ है? च कितने बार आया है? च के कारण, च के कारण एक बार और च आए उत प्लस चरण। तो क्या हो जाए? च के बाद क्या आया आपका? उसके आगे अगर हम लिखें सत प्लस जन, तो ये क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सत प्लस जन का क्या होगा? सत प्लस जन, तो क्या हो जाएगा? सज्जन। जब आप यहां पे आपका सज्जन होगा तो यहां पे आपका तो के कारण एक बार और क्या आएगा? तो आपका ज आएगा। ऐसे ही और भी होगा, उत प्लस दम, क्या आएगा? उत प्लस दम, क्या आएगा? उद्दम। इसमें क्या आया है? उत प्लस दम, दम है, ठीक है, उत प्लस दम, तो क्या जाएगा? उद्दम। तो यहां पे क्या रिपीट हो रहा है? क्या दोबारा आया? म द, क्या है आपा? द। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। ये आपका 3 नंबर था, अब आइए हम आपको 4 नंबर बताते हैं। आपका जो 4 नंबर में है वो है आपका, यदि तो या दो के बाद स, क्या है? तो या दो के बाद 4 नंबर पे है, यदि तो या दो के बाद, क्या है? तो या दो के बाद श हो तो क्या हो? स हो तो, यहां पे लिखे है यदि तो या दो के बाद स हो तो, तो या दो क्या है? तो या दो का च और स क्या है? यदि तो या दो के बाद स हो तो या दो का च और स का छ हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है, तो या दो के बाद स हो जाता है। जैसे में आपका क्या है? उत प्लस शिष्ट, तो क्या होगा?
उच्छिष्ट तो इसमें कौन सा शब्द रिपीट हुआ है आपका? छ। यहां पे त किसमें बदला है? यहां पे लिखे है यदि त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। त हो या द हो तो उसमें क्या होगा आपका? च होगा। और स हो तो क्या होगा आपका? च होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है? तो ये किसमें बदल गया है? स में। ठीक है, उसके आगे है आपका त का क्या हो जाएगा? त का आपका होगा, त का आपका हो गया च और यहां पे जो सी लिखे हैं ये आपका क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा आपका? स। ठीक है, सी का सी होगा ना, क्योंकि ये इसके हिसाब से बदलेगा ना, इसके हिसाब से बदलेगा। उसके आगे है आपका सत प्लस शस्त्र, सत प्लस शस्त्र, तो इसका क्या होगा? स छास्त्र, क्या हो जाएगा? स छास्त्र। यहां पे आपका, यहां पे भी तो है, तो किस में बदल गया है?